पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ताकामिची और नाओतो तेंजुको के बंदों से बचते हुए भागते हैं, जहां रास्ते में किसाकी ताकामिची के ऊपर फायर करता है, बट ताकामिची को बचाने के चलते ही नाओतो यहां पर बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। वहीं पर कुरुकावा आता है जो कि काकुचान को ताकामिची को मारने का ऑर्डर देता है और काकुचान ताकामिची पर फायर कर उसे मार देता है, जहां अपने आखिरी पलों में नाओतो ताकामिची के साथ हाथ मिलाता है और उस पर अपना पूरा ट्रस्ट रखते हुए उसे पास्ट में भेज देता है। और अब आगे, जहां पास्ट में आने के बाद ताकामिची भागते हुए नाओतो के पास जाता है, जहां नाओतो ताकामिची के आते साथ ही उससे पूछता है कि भला इतनी रात में तुम्हें मुझसे क्या काम है। पर ताकामिची उसके सवालों को इग्नोर कर सीधे नाओतो के पास जाता है और उसका हाथ मिलाता है, जहां ताकामिची को यकीन होता है कि फ्यूचर वालों नाओतो सेफ होगा और वो टाइम ट्रेवल भी कर पाएगा। पर यहां पर वो बुरी तरीके से फेल होता है, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं होता और वो फ्यूचर वाले नाओतो को सोचकर काफी ज्यादा उदास होता है और बुरी तरीके से टूट गया होता है। क्योंकि टोक्यो रिवेंजर्स का टाइम ट्रेवल दो तरीके से काम करता है, जहां ताकामिची को टाइम ट्रेवल करने के लिए फ्यूचर और पास्ट वाले दोनों नाओतो के साथ हैंडशेक करना होगा। बट अब जब फ्यूचर वाला नाओतो मारा गया है, तो ताकामिची पास्ट वाले नाओतो और इस टाइमलाइन में आकर फंस गया है और दोबारा टाइम ट्रेवल नहीं कर पाएगा। वहीं इन सारी चीजों को सोचने के बाद ताकामिची सान एक जगह पर बैठ गया होता है और नाओतो से सॉरी कहते हुए कह रहा होता है कि काफी रात हो गई है तो वो अपने घर चले जाए। वहीं ताकामिची काफी देर तक अकेले बैठा होता है, पर वो सामने देखता है तो नाओतो अभी भी नहीं गया होता, इसलिए वो नाओतो से अपनी फीलिंग शेयर करता है, जहां वो नाओतो से कहता है कि क्या उसे याद है कि वो लोग पहली बार कब मिले थे, क्योंकि जब हिना मारी गई तो वो टाइम ट्रेवल किया, जहां पर उन्होंने कोशिश की कि वो लोग हिना को बचा सकें, पर उसकी बार बार कोशिश के बावजूद भी वो हिना को नहीं बचा पाए और अब वो टाइम ट्रेवल भी नहीं कर सकता, क्योंकि फ्यूचर वाला नाव तो मारा गया है जिसकी वजह से वो टाइम ट्रेवल कर सकता था। पर कोई बात नहीं, अब वो पास्ट में अटक गया है तो वो पास्ट में रहकर ही इस पास्ट को चेंज करने की कोशिश करेगा, जहां पर वो नाओतो हिना और सबको बचा लेगा और कंटिन्यू कोशिश करते रहेगा, और जब सारे लोग बच जाएंगे तो शायद वो फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर पाएगा। पर वहीं ताकामिची खुद से पूछता है कि यदि इस बार वो फेल हुआ तो क्या करेगा, और यहां पर वो काफी उदास होकर सोचता है कि शायद इन सबसे अच्छा वो खुद ही मर गया होता। वहीं इन सब बातों को सुनते साथ ही कोई ताकामिची के पीछे आकर अपना सर रखता है, जो कि हिना होती है, और तभी ताकामिची को रियलाइज होता है कि उसने अपनी सारी बात जो नाओतो समझ के उसे बताई थी, वो असली बात हिना ने सब सुन ली। वहीं पर हिना ताकामिची से पूछती है कि असल में वो कितनी एज का है, जिस पर ताकामिची 26 बताता है, और इसके बाद हिना उसे एक आखिरी सवाल कहती है कि क्या फ्यूचर में ताकामिची ने उसे प्रपोज किया कि नहीं, जिस पर ताकामिची शर्माते हुए कहता है कि उसने अब तक कर तो ऐसा नहीं किया है, पर वो सोचता है कि शायद उन दोनों की शादी हो जाती, जहां इस बात को सुनकर हिना काफी खुश होती है और ताकामिची से कहती है कि अब वो शायद शांति से मर सकेगी। और इसके बाद वो काफी देर तक कर ऐसे ही बैठे रहते हैं, जहां जैसे ही सुबह होती है तो हिना अपने घर के लिए जाने लगती है, तो ताकामिची उसे कहता है कि उसने उससे जो भी फ्यूचर वाली बात कही, पर इसके पहले ही हिना उसकी बात काटते हुए कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं सुना, और एक हल्की सी स्माइल करते हुए ताकामिची को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। जहां हिना के जाते साथ ही ताकामिची सोचता है कि भले ही वो टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता, पर इस बार उसे पता है कि उसका दुश्मन कौन है, जहां इस बार सारी चीजों को सही करने के लिए वो कुरोकावा और स्पेशली किशाकी को जान से मार डालेगा। ये सोचकर वो आगे भागता है और ताइजो की बातों को याद करता है, जहां ताइजो ने उसे बताया होता है कि माइकी यहाँ ड्रैगन से भी ज्यादा भरोसा कुरुकावा के ऊपर करता है, और इसलिए अब ताकामिची को ये पता लगाना है कि भला माइकी कुरुकावा के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट कैसे कर सकता है। वहीं पर उसके आगे जाते साथ ही उसकी मुलाकात ड्रैगन से होती है,
और वो दोनों वहां से निकल गए होते हैं माइकी से मिलने के लिए, जहां पर हमें माइकी का घर दिखाया जाता है, जहां पर एमा ब्रेकफास्ट बनाती है और वहीं पर माइकी आता है और वो लोग सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, जहां ड्रैगन वहां पे पहुंचता है और माइकी उससे कहता है कि वो उसके कमरे में जाकर वेट करे। जहां ड्रैगन और ताकामिची जैसे ही माइकी के कमरे में पहुंचते हैं तो ताकामिची माइकी का कमरा देखकर काफी इंप्रेस होता है, क्योंकि उसका कमरा एक बड़े लोगों की तरह ही सिस्टमेटिक रखा हुआ है। तभी माइकी आकर बताता है कि यहाँ पर रखी हुई सारी चीज उसके बड़े भाई की है और यहाँ पर सिर्फ उसका बेड ही इकलौता ऐसी चीज है जो कि उसकी है। जहां ताकामिची माइकी से कुरुकावा के बारे में पूछता है, जहां माइकी बताता है कि कुरुकावा प्रेजेंट में तेंजुकु का लीडर है, पर तभी ड्रैगन को याद आता है कि यहां पर कुरुकावा ब्लैक ड्रैगन के एट जनरेशन का लीडर भी था। जिस बात को याद करते साथ ही उसे सिनिचिरो के बारे में याद आता है और वो वहां पर बता रहा होता है कि ब्लैक ड्रैगन को असल में माइकी के बड़े भाई सिनिचिरो ने बनाया होता है। जिस बात को सुनकर ताकामिची कुछ खास रिएक्शन नहीं देता तो ड्रैगन पूछता है कि इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी वो इतना शांत क्यों है। तो ताकामिची बात घुमाते हुए कहता है कि उसकी कंडीशन काफी खराब है, इसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पाया। जहां पर ड्रैगन बताता है कि ब्लैक ड्रैगन को उन लोगों ने ही मिलकर खत्म किया था, जहां पर माइकी कहता है कि ब्लैक ड्रैगन को खत्म करने के पहले उसने अपने बड़े भाई सिनिचिरो से बात की थी, जहां पर उसने अपने भाई को बताया था कि ब्लैक ड्रैगन अब वैसी नहीं है जैसा उसने बनाकर छोड़ा था और वो ईविल हो गई है। जिस पर सिनिचिरो कहता है कि ये बात उसे ऑलरेडी पता है, पर वहीं पर ब्लैक ड्रैगन उसे काफी ज्यादा अजीज है, इसलिए उसने ब्लैक ड्रैगन को छोड़ दिया। पर साथ ही वो ये भी चाहता है कि यहाँ पर माइकी ब्लैक ड्रैगन को अपने कब्जे में ले ले। वहीं ड्रैगन भी कहता है कि कुरुकावा ही था जिसने ब्लैक ड्रैगन को पूरी तरीके से करप्ट कर दिया। इसी बीच वहां पर एमा आती है जो कि उनकी बातें सुनकर कहती है कि कुरुकावा यहाँ पर उसका बड़ा भाई है, जो बात सुनकर सारे शौक होते हैं। जिस पर एमा माइकी से कहती है कि उसने कितनी बार ही बताया होगा कि कुरुकावा माइकी का हाफ ब्रदर है और उसका बड़ा भाई है। जहां पर माइकी कहता है कि उसे याद है, पर असल में माइकी अपनी बचकांड हरकतों के चलते ही एमा की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। वहीं पर ताकामिची डायरेक्ट एमा से पूछता है कि यहाँ पर वो कुरुकावा के बारे में जो भी जानती है उसे बता दे। जिस पर एमा कहती है कि वो 3 साल की थी तब आखिरी बार वो कुरुकावा से मिली थी, पर वो यहाँ पर सिनिचिरो के सबसे ज्यादा करीब था। जिस बात को सुनकर बाकी सारे लोग और भी शोक होते हैं और वहीं पर एमा एक बॉक्स लाकर उन्हें दिखाती है जिसके अंदर काफी सारे लेटर होते हैं, जहां पर सब मिलकर लेटर पढ़ रहे होते हैं। और माइकी जैसे ही लेटर पढ़ता है तो वो उठकर वहां से चले गया होता है। जहां पर सब जब उस लेटर को पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पर कुरुकावा अपनी फैमिली से काफी दूर था और उसके पास फैमिली के नाम में सिर्फ सिनिचिरो था जो कि उससे अक्सर मिला करता था। वहीं पर जब उनने ब्लैक ड्रैगन को बनाया तो आगे जाकर सिनिचिरो ने एट जनरेशन का लीडर कुरुकावा को बनाया, और जब सिनिचिरो ने उसे बताया होगा कि आगे के जनरेशन में जाकर माइकी ब्लैक ड्रैगन को टेक ओवर करेगा, तो ये बात कुरुकावा को पसंद नहीं आई होगी और इसलिए वो माइकी से हेट करने लगा। और वहीं पर जब अब सिनिचिरो नहीं है तो अब कुरुकावा ने खुद की एक गैंग तेंजुकु को बना लिया है। और वहीं ड्रैगन भी बताता है कि जब वो 9th जनरेशन के ब्लैक ड्रैगन से लड़ रहे थे तो उनका लीडर कह रहा था कि वो कुरुकावा के नक्शे कदम पे चलेंगे, जहां पर वो माइकी और तोमन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। जहां पर ताकामिची को समझ में आता है कि ये एक फैमिली के बीच की राइवलरी है, जिसके बाद ताकामिची चीफुयो से जाके मिलता है और उसे सारी बात बता देता है। जहां पर ताकामिची चीफुयो से कहता है कि इस बार वो सारी चीजों को अकेला करना चाहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नाउतो की तरह ही उसके और भी दोस्त मारे जाए। जहां पर उसे पता है कि इन सब के पीछे किसाकी और कुरुकावा है, तो वो उनको नहीं छोड़ेगा।
जिस पर चीफुया ताकामिची से कहता है कि वो फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है तो क्यों ना वो उन्हें हेल्प करने दे, जिस पर ताकामिची साफ इंकार करता है क्योंकि ये उसका पर्सनल मैटर है, जहां पर चीफुया सारे मेंबर्स को बुला लेता है और कहता है कि ये सब अब उनके बीच की चीजें हैं, भले ही जहां पर वो लोग कमजोर हों पर वो लोग किसी से भी कम नहीं है और इसलिए ताकामिची अकेले अपने कंधों पर ये भार ना ले बल्कि सबके साथ मिल बांट कर ये चीज करे, जिसके बाद वो लोग मिलकर प्लान बनाने लग गए होते हैं। इसी बीच बाहर एक कार आकर रुकती है और वो ताकामिची को बाहर बुलाते हैं। वहीं पर ताकामिची जैसे ही बाहर आता है तो कार के अंदर फिफ्थ डिवीजन का कैप्टन मूचो होता है, जिसे देखकर चीफुया डर जाता है और कहता है कि ये काफी बुरी चीज है क्योंकि फिफ्थ डिवीजन का कैप्टन मूचो ही इकलौता ऐसा है जिसके पास स्पेशल पावर है। इसी बीच वहां पर तुमन के काफी सारे बंदे आकर सबको पकड़ लेते हैं और मूचो कार से बाहर आकर ताकामिची को जोरदार पंच मारता है और मूचो ताकामिची को पीटते जाता है, जहां पीटते हुए वो बताता है कि कुरुकावा ऐसे काम उसे ही क्यों सौंपता है। वहीं पीटते हुए ताकामिची बेहोश हो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो उसके सामने कोको और इनोपी भी होते हैं, जिसे देखकर वो सोचता है कि भला ये दोनों यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। और इसके साथ ही यहीं पर एपिसोड का एंड होता है।